जनपद पंचायत करकेली सभागार में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण हेतु दावा आपत्ति प्राप्त करने की अवधि 8 फरवरी से 15 फरवरी नियत की गई है। नगरीय क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में BLO संबंधित मतदान केंद्र में प्रातः 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक दावा आपत्ति प्राप्त करेंगे। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में संलग्न शासकीय सेवकों को जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव के निर्देशानुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभागार में मास्टर ट्रेनर सुशील मिश्रा व गहलोत सरजी के द्वारा उपस्थित सचिवों को मतदाता सूची नाम जोड़ने काटने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर जनपद पंचायत करकेली के समस्त ग्राम पंचायत के सचिव अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। प्रशिक्षण में बताया कि अर्थात उस वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन जिस वर्ष मतदाता सूची तैयार की जा रही है कि आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ये स्थानीय निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायत की मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण चल रहा है, जिसमें 8 तारीख को उसका प्रकाशन किया जाना है। प्रारंभिक काम हमारे प्राधिकरण अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, क्योंकि 8 तारीख से दावा आपत्तियाँ प्राप्त करना है, इन्हों केंद्र में बैठना है, तो कुछ प्रारंभिक चीज़ों जो तैयारियाँ होती हैं उसके संबंध में और जो प्रिकॉशंस हैं, जो सावधानियाँ बरती जानी है मतदाता सूची तैयार करने में, जाँच सूची के परीक्षण करने में, उसकी औपचारिकताओं के संबंध में सभी प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, उसी के संबंध में बात की गई है और जो उनकी शंकाएँ थी उनको समाधान किया। ये कब से कब तक चलेगा सर? ये कार्यक्रम हमारा प्रारंभ है, पहले शिफ्टिंग की कार्रवाई हो चुकी है और 8 तारीख से सभी प्राधिकृत अधिकारी अपने अपने मतदान केंद्र पर बैठेंगे, जहाँ पर दावा और आपत्तियाँ प्राप्त की जाएंगी। जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं है, जुड़वाना चाहते हैं, उनके आवेदन लिए जाएंगे, सभी तरह की आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी और 15 तारीख के बाद उस पर अभिलेखी कार्य जो कार्यालयों के द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा और उसके पश्चात उसका फाइनल प्रकाशन किया जाना है, उसके संबंध में ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक।